उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने के प्रयासों के बीच एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। हाल ही में संपन्न हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि क्या वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों के मामले में एक अलग गठबंधन बनाने के लिए बसपा के साथ चर्चा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विपक्षी गठबंधन में बसपा को शामिल करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साल 2024 का चुनाव सीटों के बंटवारों के आधार पर मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई थी, तो वही दूसरी ओर इस मामले में बसपा प्रमुख मायावती ने सितंबर में एक बयान दिया था कि उनकी पार्टी लोकसभा का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। बता दें, इंडिया गठबंधन में बसपा को शामिल करने के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन करने के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी की टिप्पणी पर हमला बोलते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में किसी को नहीं पता कि कब किस पार्टी को किस पार्टी की जरूरत पड़ जाए। हाल ही में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा नेताओं को भरोसा दिलाया था कि कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बता दें, बसपा की राजनीतिक ताकत पहले से कम हो गई है। साल 2019 में पार्टी का वोट शेयर 19% था, जो अब कहीं ना कहीं घट गया है। पिछले साल हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर मात्र 13% रह गया था। तो वही हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा का चुनाव उनकी उम्मीद से भी बहुत कम खरा उतरा। तो वही कांग्रेस, जो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को फिर से जीवित करना चाहती है, वो स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश में बसपा को एक संभावित भागीदार के रूप में देख रही है और दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच गुपचुप बातचीत चल रही है। ऐसे में देखने लायक होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बसपा के बीच जो गुपचुप बातचीत चल रही है, उससे दोनों पार्टियों को नुकसान होगा या फायदा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।